नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वरिषा सिद्दीकी। हल्द्वानी में जहां आज कांग्रेस ने उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान को लेकर उत्तराखंडियत अभियान कार्यक्रम की जोरदार तरीके से शुरुआत की है, तो वहीं उत्तराखंड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंडियत को पूरे राज्य में अभियान के तौर पर कांग्रेस जगह जगह जाकर उत्तराखंड के मूल्यों को लेकर लोगों को जानकारी देगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड का निर्माण जिस उद्देश्य और जनता की जरूरतों को देखते हुए हुआ था, उसे आज उत्तराखंडियत कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। शुभारम्भ है इसको, हम एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के एक नव अभियान के रूप में, ताकि उत्तराखंडियत जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, जिसके चारों तरफ ये सारी उस समय के नारे, उस समय का बलिदान सब कुछ लिखा हुआ है, वो आगे आ सके। वहीं प्रधानमंत्री के 30 दिसंबर की हल्द्वानी दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड में आकर जनता के आंसू को पोंछने का कार्य किया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आगामी चुनाव 2022 के प्रचार के लिए आ रहे हैं। उन्हें जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के लिए आ रहे हैं, नेता है अपनी पार्टी के, कोई हमारे उत्तराखंड के दुख सुख में शामिल होने थोड़ी आ रहे हैं। दुख सुख में शामिल होने आते जब राहुल गांधी जी हमारे आंसू पोंछने आए थे, तब आते। वो तो यहाँ अपना कुछ प्रचार करने और कुछ और इसमें चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, मगर अच्छी बात है, आए। तो ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें JJN न्यूज के साथ और JJN न्यूज YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।